नन्हा सा हिरन देखने के बाद दोस्तों हम चल जाते हैं ऑटर की केव में ऊद बिलाव देखने के लिए, जहां शुभम पहले से ही उतर जाता है और हम भी चल जाते हैं उस केव में अंदर की तरफ। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों को ऊद बिलाव नहीं दिख रहा था दोस्तों। फिर काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद एक ऊद बिलाव आने लगता है अपने भोजन को खाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे मरी हुई मछलियां कुछ रखा गया था जो उसको खाने के लिए था। फिर गुफा के दूसरे साइड से हम दोस्तों आगे की तरफ निकल जाते हैं और शुभम भी पीछे पीछे आने लगता है दोस्तों। और हम पहुंचते हैं चिड़ियों की खदान में दोस्तों। ये है काकातुआ जो रियो में था, और ये देख लीजिए ब्लैक कलर का मैना एरो पैरेट्स जो रियो मूवी में, असल में यही वाला पैरेट था दोस्तों जो रियो आप मूवी देख चुके होंगे। बजरीगर दोस्तों ये नया जानवर था दोस्तों, हम इसको पहली बार देख रहे थे। ऐसे ही दोस्तों कई सारे चिड़ियों का खदान था यहाँ पे, जो अलग अलग तरह के चिड़िया इसमें रखे गए थे दोस्तों। हम तो आगे देख रहे थे जहाँ पे एक अंकल जी अपना एक पाइप लेके इन सारी चिड़ियों को गर्मी से राहत दे रहे थे दोस्तों। पानी का बौछार उनसे कर रहे थे और उनका मल मूत्र भी साफ कर रहे थे।